conflict. ठीक है, प्लैंक थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, ठीक है, प्लैंक, मैक्स प्लैंक द्वारा दी गई थी। देखो इससे पहले जो है हमारे केमिस्ट्री के अंदर या फिजिक्स के अंदर बात करें, शुरुआत जो एटम की स्ट्रक्चर होती है वो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में पढ़ी जाती है, क्योंकि जो है वो इसकी इसको जो है वो मॉडर्न फिजिक्स भी बोला जाता है इसको। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो एटम होती है इसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए अलग अलग थ्योरीज आई। सबसे पहले थ्योरी आई जो है वो थॉमसन की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज होने के बाद थॉमसन मॉडल आया, ठीक है। उसके बाद किसका मॉडल आया, रदरफोर्ड का, ठीक है। फिर जो है वो नील बोर की ये थ्योरी आई। फिर इसके बाद प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत इस तरह से विकसित किया गया, ठीक है। तो मैक्स प्लैंक ने इस तरह की एक थ्योरी प्रस्तुत की, उन्होंने बताया कि जो आपका प्रकाश होता है उसकी प्रकृति जो है वो क्वांटम की तरह होती है, क्वांटा की तरह होती है। वो प्रकाश की तरह ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ये कणीय प्रकृति रखता है। कणीय प्रकृति का मतलब कि इसकी जो प्रकृति होती है यानी इसका कणीय नेचर होता है, ये कण की तरह व्यवहार करता है, कौन, इलेक्ट्रॉन जैसे कण पार्टिकल, ठीक है, यानी ये कण की तरह देखे जाते हैं। तो इस तरह का सिद्धांत जो है मैक्स प्लैंक ने प्रस्तुत किया, ठीक है, यानी इसने कहा कि यानी किसी पदार्थ से कोई विकिरण उत्सर्जित या अवशोषित होता है तो वो लगातार न होकर किसके रूप में होता है, टुकड़ों में होता है। किसमें होता है, टुकड़ों में, छोटे छोटे पैकेट्स में जो है वो किसी भी ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है, ठीक है। तो किसी वस्तु द्वारा प्रकाश या ऊर्जा जो है, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन, उत्सर्जन लगातार नहीं होता है, लगातार न होकर छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, ठीक है, इन छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, इन टुकड़ों में होता है, इन या बंडलों को, यानी बंडल बोल सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए किसी गाड़ी के अंदर कार्टून होते हैं, तो छोटे छोटे कार्टून जो है वो छोटे छोटे बंडल होंगे, ठीक है। उस मान लीजिए किसी कार्टून के अंदर माचिस की डिब्बी पैक की, ठीक है, तो माचिस की डिब्बी को आगे क्वांटा फोटोन बोल सकते हो, बंडल की तरह, ठीक है। इस तरह से होते हैं प्रकाश के टुकड़ों में होता है, ठीक है, इन टुकड़ों या बंडलों को क्वांटा या फोटोन कहा गया, कहा गया, फोटोन कहा गया, ठीक है। ये क्या है, मैक्स प्लैंक की थ्योरी है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि छोटे छोटे बंडलों को, टुकड़ों को क्या कहा, यानी ऊर्जा के जो बंडल थे, इन ऊर्जा के बंडलों को तो क्या कहा, क्वांटा या फोटोन, ठीक है। ये फोटोन जो है वो किसके संदर्भ में कहा जाता है, प्रकाश के संदर्भ में, ठीक है। प्रकाश की अगर बात की जाए तो उनको क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है, ठीक है। ये दूसरी बात, यानी ये मैं तो ये थ्योरी जो की यही थी, यानी क्वांटम थ्योरी क्या थी, यानी जो है क्वांटम सिद्धांत क्या था कि प्रकाश एक टुकड़े, यानी एक तरह लगातार न हो, क्या है, छोटे 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 टुकड़ों में बढ़ता हुआ है। जैसे मान लीजिए आप तो ये मानते थे कि किरण है, लेकिन ये क्या करता है, ये इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, यानी पैकेट्स के रूप में जो है वो प्रकाश गिरता है, ठीक है। तो ये जो है वो किसका मानना था, मैक्स प्लैंक का मानना था, ठीक है। जो इस क्वांटा की जो ऊर्जा है, यानी इन्होंने क्या बताया कि ऊर्जा जो है वो किसके समानुपाती होती है, आवर्ती के समानुपाती होती है। तो दूसरा पॉइंट कह सकते हैं, इन क्वांटा या फोटोन ऊर्जा की आवृत्ति न्यू के समानुपाती होती है,
ठीक है। अब समानुपाती है तो यहाँ पर एक समानुपाती स्थिरांक भी आएगा, ठीक है। तो समानुपाती स्थिरांक क्या आ जाएगा, समानुपाती स्थिरांक है एच रख दिया इसमें, ठीक है। एच यहाँ पर क्या है, समानुपाती स्थिरांक। अब इसका नाम क्या है, या इसको नाम क्या दे सकते हैं, प्लांक स्थिरांक। क्या नाम देते हैं, प्लांक स्थिरांक। इसका मान भी है, ठीक है, इसका एक निश्चित मान भी है प्लांक स्थिरांक का, ठीक है। वो मान आप देख सकते हो क्या, 6.26 10^-34 6.626 × 10^-34 जूल सेकेंड, ठीक है, ये इसका मान हो जाएगा, ठीक है। प्लांक स्थिरांक का मान हो जाएगा, ठीक है। एक ये भी बता सकते हो 6.626 × 10^-27 अर्ग सेकेंड भी इसका मान हो सकता है, किसका, एच का, प्लांक स्थिरांक का मान क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है अर्ग में, ठीक है। 1 जून बराबर क्या होता है, 10^7 अर्ग होता है, इसलिए ये घात जो है वो इतना मान कम हो जाता है इसका, तो ज्यादा हो जाता है, जून में कम है, ठीक है। जून बड़ी इकाई है, अर्ग छोटी इकाई है। तो ये आपका क्या हो गया, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ठीक है। इन्होंने क्या समझाने की कोशिश की कि इस तरह से जो है एक प्रकाश होता है वो किस तरह का होता है, एक सतत रूप से ना होकर लगातार ना होकर क्या हो सकता है, टुकड़ों में होता है, जिसकी ऊर्जा क्या होती है, आवर्ती की समानुपाती होती है, और समीकरण E बराबर एच में, ठीक है। अब एक बात और है, इसने कहा कि जो है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर अगर ऊर्जा स्थानांतरित होती है तो वो क्या होती है, एक दूसरे की पूर्ण गुणज होती है, ठीक है। तो एक छोटा सा पॉइंट और देख लीजिए, एक वस्तु से दूसरी वस्तु, ठीक है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर स्थानांतरित ऊर्जा कुल ऊर्जा कह सकते हैं, स्थानांतरित कुल ऊर्जा फोटोन की ऊर्जा की पूर्ण गुणक होती है। पूर्ण गुणक का मतलब क्या है, यानी उसके मल्टीप्लेस के रूप में होती है, यानी एक की इतनी है तो दो की दो से गुणा हो जाएगा, ठीक, यानी एक एक की मान लीजिए 5 है, ठीक है, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, 2 है तो कितने, 5 × 2 3 है तो 5 × 3 4 है तो 5 × 4 इस तरह से क्या हो जाएगी, पूर्ण गुणक हो जाएगी इसका, ठीक है। यानी एक की फिक्स होगी, बाकी दो की, यानी हर एक की क्या होती है, यानी कहने का मतलब हर प्रोटोन को अलग अलग निकाल दिया जाए तो उनकी ऊर्जा क्या होती है, यानी एक किसी वस्तु से दूसरी वस्तु में, यानी एक ही पदार्थ से कोई प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। मान लीजिए सूर्य से प्रकाश जो आता है उसकी जो वेव है, जो तरंग है या किरण है, जो भी है, उसके जो फोटोन है उनकी प्रत्येक की ऊर्जा क्या है, बराबर है, ठीक है। वो एक दूसरे के क्या है, पूर्ण गुणक में है, ठीक है। यदि मान लीजिए आपके पास उसके 100 फोटोन है तो 100 में से प्रत्येक की जो क्या होगी, बराबर होगी, यानी सबकी टोटल जो आएगी वो प्रत्येक का क्या होगा, भाग होगा, यानी 100वां हिस्सा प्रत्येक का होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या कहा, इसमें पूर्ण गुणक होती है, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं ई बराबर एन एच न्यू हो जाएगा। एन क्या हो गया, इनका मान 1, 2, 3, 4 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एन का मान आप रख दोगे तो एक फोटोन है तो एन एच न्यू हो जाएगा, 2 है तो 2 एच न्यू हो जाएगा, 3 है तो 4 एच न्यू, 5 है तो 5 एच न्यू, इस तरह से क्या होती है, एक पूर्ण गुणक होती है, ठीक है। तो एन यहाँ पर क्या है, एक पूर्णांक संख्या होगी, पूर्णांक संख्या, ठीक है। और अगर इसमें कुछ बताना चाहें तो न्यू का मान क्या होता है, यानी न्यू जो होता है हमने पढ़ा था, न्यू बराबर सी बटे में लैम्डा, तो आप एन एच सी अपॉन लैम्डा ये भी कह सकते हो, ठीक है। और 1 अपॉन लैम्डा क्या होता है,
न्यू बार, तो इसको एक और रूप में दे सकते हो ई बराबर, यानी हमने पढ़ा था कि न्यू आवर्ती बराबर सी बटे लैम्डा होता है और एक बटा लैम्डा बराबर क्या होता है न्यू बार, यानी तरंग संख्या का लिबर्टी थी। ठीक है, तो आप ये मान के रख सकते हो, एक तो समीकरण ये हो गई, ठीक है, यानी एक तो ये हो गई और एक ये हो गई दूसरी, फिर इसके बाद ये तीसरी, ठीक है, और एक और निकल कर आ जाएगी इससे, तो यह आ जाएगा एन एच न्यू बार, ये भी एक समीकरण हो जाएगी। तो इस तरह से जो आप इसके मान को ज्ञात कर सकते हो, फॉर्मूला प्लांक सिद्धांत लागू कर सकते हो, ये आपका है प्लांक सिद्धांत। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं बोहर मॉडल, यानी नील बोहर के द्वारा दिया गया था मॉडल, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है ये मॉडल है आपके फिजिक्स, बारहवीं फिजिक्स में भी है ये, ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो वहाँ पर भी काम आएगा और केमिस्ट्री में भी बहुत काम आते हैं इसके फॉर्मूले। ठीक है, तो सबसे पहले इसने जो है वो प्रथम अवधारणा या कुछ सूत्र लिख लेते हैं इसके, यानी कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, जो बोहर मॉडल से संबंधित हैं, तो एक तो इसने कहा कि यह मॉडल किस पर आधारित है, क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, यानी रूड फिजिक्स जो है ना चिरसम्मत भौतिकी के ऊपर आधारित है। एक दूसरा, एक तो इस पर आधारित है क्वांटम सिद्धांत, दूसरा चिरसम्मत यानी जो क्लासिकल फिजिक्स है उसका ही मॉडल है एक प्रकार। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स के तो क्या है जो है वो आपका परमाणु की संरचना का श्रोडिंगर मॉडल जो है वो है। ठीक है, एक जो है ये जो मॉडल है वो एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज पर ही लागू होता है, ये भी इसकी खास बात ये कमी है। ठीक है, एक स्पीसीज, एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वाली। ठीक है, तो उदाहरण के लिए कैसे कौन कौन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, हीलियम हो सकता है, हीलियम में कौन सा H+ Li+, इस तरह के जो मॉडल हैं ऐसे परमाणुओं के लिए ही लागू होता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन की कौन सी प्रकृति मानता है, कणीय प्रकृति मानकर चलता है, यानी इलेक्ट्रॉन को कौन सी प्रकृति में मानकर चलता है, कणीय प्रकृति में। ठीक है, मानता है इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन को कण माना गया है। ठीक है, इसमें कुछ सूत्र भी हैं, कूलम्बिक जो फोर्स होता है उसका सूत्र काम आएगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्या है, कोई आवेश जो है एक क्यू वन आवेश क्यू टू आवेश के बीच की दूरी क्या है, आर। ठीक है, क्यू वन और क्यू टू के बीच की दूरी आर है, तो इसके कूलम्बिक आवेश को जो है फॉर्मूला निकाला गया है। ठीक है, फिजिक्स में आप पढ़ते हो इस फॉर्मूले को, व्युत्पन्न करना सीखते हो। अब आते हैं दूसरा, कूलम्बिक फोर्स के बाद जो है वो कोणीय संवेग का भी सूत्र है, एम वी आर। ठीक है, संवेग का सूत्र होता है एम वी। ठीक है, कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, किसी वर्ताकार पथ के अगर कोई गति कर रहा है तो उसकी त्रिज्या भी जो है वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, काउंट होगी, इसलिए जो है वो कोणीय संवेग आर भी इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, और इसमें अगर कोई सूत्र लागू होता है तो एक अपकेंद्रीय बल का भी देखते हैं, ये भी ध्यान रखना है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये भी क्या है, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, यानी अपकेंद्रीय, अप मतलब दूर, केंद्र से दूर करने वाला बल। ठीक है, एम वी स्क्वायर आर। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के बल हुए, बल हुए। ठीक है, तो अब इसमें हम मुख्य अवधारणा में पहली अवधारणा पढ़ते हैं, प्रथम अवधारणा
इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यानी प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, इसने क्या कहा, नाभिक में होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सॉरी नाभिक में होते हैं, ठीक है, इन परमाणु के नाभिक में। और नाभिक क्या होता है? नाभिक का आकार बहुत कम होता है, किसकी तुलना में? परमाणु की तुलना में। यानी क्या कहना चाहता है कि आपका जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, ठीक है, किसके नाभिक में? परमाणु के, ठीक है, परमाणु के नाभिक में। नाभिक का जो आकार है वो बहुत ही कम होता है परमाणु की तुलना में। ये बात थोड़ा सा कोड़ने की गई थी और ये बात की बोहर कह रहा है, यानी उसका मॉडल और उसके नील बोर का पहले उदाहरण सेम, ठीक है। दूसरी उदाहरण देखो, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। कैसे? जैसे सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी, ठीक है। अब नील बोर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में क्या लगाता है? चक्कर लगाता है, ठीक है, वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, ठीक है। दूसरी अवधारणा के अंदर चल रहे हैं हम, दूसरी अवधारणा की बात चल रही है। तो क्या कहता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है जिस तरह से चक्कर लगाते हैं, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी लगाती है, ठीक है, ऐसा इसका मानना था रदरफोर्ड का, यानी इसने सॉरी नील बोर का, रदरफोर्ड का भी यही मानना था, लगभग सेम है यहाँ तक, ठीक है, यानी उन्होंने जो है वो इस चीज को सिद्ध किया। अब इसने क्या, जो रदरफोर्ड की क्या कमी थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक निश्चित यानी जो है वो वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो वो लगातार ऊर्जा विकृत करेगा, मैक्सवेल के सिद्धांत की अवहेलना हो गई थी, पर यहाँ पर ये क्या पहले ही मैक्सवेल की बात को काट देता है कि अगर कोई भी पिंड या कोई कण किसी एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है तो वो अपनी ऊर्जा को जो है वो लॉस नहीं करता है, जिस तरह यहाँ से उपग्रह भेजे जाते हैं, जैसे हमारा चंद्रयान 2 जो है वो यहाँ से अगर भेजा गया था, वो कैसे भेजा गया, तो अगर आपने उसके गौर किया हो तो उसके जो हमारे जो इंडिया की जो इसरो स्पेस एजेंसी है वो कम बजट में बहुत सारा काम कर देती है, यानी उतना काम तो नासा भी नहीं कर सकता उतने बजट में, तो ठीक है फिर भी वो कर देती है। अगर हमारे पास नासा का जितना बजट होता तो पता नहीं जो हमारे जो इसरो है वो पता नहीं आज जो है वो कौन से प्लेनेट यानी हमारी गैलेक्सी को पार कर गया होता, इतना बजट नहीं है हमारे पास। फिर भी हमारे जो जो मिशन मंगलयान था या मिशन चंद्रयान थे, चंद्रयान 2 जो था बहुत चर्चित रहा था, यानी 95% सफल हुआ था, 5% वो असफल रहा था। उसमें भी क्या खास बात लगाई गई थी, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, ठीक है, मान लीजिए चंद्रमा छोटा होता है, पृथ्वी और चंद्रमा यहाँ से कोई ग्रह यानी हमने छोड़ा, ठीक है, यहाँ से कोई हमने उपग्रह यानी जो भी यान छोड़ा तो वो क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा और वायुमंडल को पार करेगा, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, उतनी ऊर्जा उसमें जो है बनते हैं, ठीक है, फिर वो जैसे ही हमारी पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो जाएगा ना तो वो लगातार इस तरह से पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा, हर बार वो अपना मार्ग थोड़ा थोड़ा बढ़ाता रहेगा फिर धीरे 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 हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर होता है और चांद के गुरुत्वाकर्षण में प्रवेश कर जाएगा, फिर वो चांद की कक्षा में चक्कर लगाता और लगाता और लगाता और क्या होगा, धीरे धीरे चांद की सतह पर जाके जो है वो चला जाएगा। तो एक तो उसमें ऑर्बिटर था, जो ऑर्बिटर चांद की सतह पर आज भी यानी चांद के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगा रहा है आज भी, उसकी कोई ऊर्जा लॉस नहीं होती है, वो किसके कारण लगाता है, पृथ्वी की या चंद्रमा जो भी पिंड है उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है वो चक्कर लगाता है, ठीक है। तो वही जो प्रक्रिया जो है वो नील बोर बता रहा था, ये तो पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, चंद्रयान 2 की बात है, लेकिन इसी प्रिंसिपल का उपयोग किया गया था उसमें, ठीक है, कि
तो जिस तरह से हमारे जो चांद का आकर्षण या पृथ्वी का जो आकर्षण बल होता है, वैसे ही हमारे जो परमाणु होते हैं उसके नाभिक का क्या होता है, आकर्षण होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। लेकिन जो पिंड गति कर रहा है उसका भी क्या होता है, परिधि के ऊपर जहाँ गति कर रहा है वहां पर भी क्या है, एक फोर्स लगता है, यानी अपकेंद्रीय बल लगता है उसको, यानी उसको जो है नाभिक से दूर खींचता है, ठीक है। और नाभिक के बाहर जो है वो कौन सा बल नहीं जाने देता उसको, नाभिकीय आकर्षण। और जो है दूसरा जो है जो परिधि का जो बल लग रहा है अपकेंद्रीय बल, वो उसको क्या कर रहा है, परिधि की ओर रख रहा है। तो यानी दोनों बल बराबर हैं, इसलिए वो पिंड कहीं नहीं जा रहा है, वहीं का वहीं क्या हो रहा है, स्थिर होकर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो इसको तो बाहर निकालने के लिए थोड़ी सी एनर्जी दी जाती है, तो बार बार जो है वो पथ चेंज करता करता धीरे धीरे जो है वो चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है इससे क्या है कि एनर्जी की बचत हो जाती है इनकी, ठीक है। यानी इतना फ्यूल जो है हमें खर्च नहीं करना पड़ता। बाकी जो ग्रह मान लीजिए हमारा जो चंद्रयान है वो काफ़ी टाइम से 3-4 महीने से जो वहाँ पहुँचा था, बाकी जो आजकल जो मतलब 1-2 दिन में ही पहुँचा देते हैं, पर उसके लिए एनर्जी चाहिए, बजट चाहिए बहुत सारा, ठीक है, वो हमारे पास नहीं है। तो इसके बाद देखते हैं कि नील बोर ने क्या मतलब ये समझाना था कि और ये वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। ये बात तो इसकी इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्तर पर सही थी, लेकिन आगे वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों के लिए बात है सही नहीं मानी गई, ठीक है। फिर भी ये मॉडल जो है वो हाइड्रोजन के लिए तो लागू होता है, तो हम इसको पढ़ेंगे और इसके सिद्धांत को समझेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर निरंतर लगाता रहता है और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। फिर वो जो है इसके अंदर दो फोर्स काम करते हैं, अपकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यानी नाभिक द्वारा लगने वाला कूलाम्बिक बल, ठीक है, यानी आकर्षण बल जिसको बोलते हैं, बराबर होता है नाभिक यानी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा लगने वाला कूलाम्बिक बल किसके बराबर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन द्वारा या इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बाह्य बल, ठीक है, इसके बराबर होता है। यानी बाहर से जो बल लगता है इसके ऊपर, यानी अपकेंद्रीय बल, उसको नाम दे सकते हैं, ठीक है, बाह्य बल को आप क्या कह सकते हैं, अपकेंद्रीय बल, ये अपकेंद्रीय बल दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है, जिससे क्या है एक जगह स्थिर जो है वो कक्षा में चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। अब इसकी अगली जो अवधारणा है, तीसरी अवधारणा, वो भी यही है, एक प्रकार से ऐसे कह सकते हैं इसी में, इलेक्ट्रॉन लगातार स्थिर कक्षा में चक्कर लगाता रहता है, इन लगातार उसी स्थिर कक्षा में क्या रहता है, चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। तो ऐसा इसका मानना था, जिससे क्या होगा, ऊर्जा की हानि नहीं होगी, ठीक है, ठीक वही प्रिंसिपल जो है जो हमने चंद्रयान के अंदर देखा था, ठीक है। अब हम तीसरी अवधारणा पर आते हैं, ठीक है। तीसरी अवधारणा में ये कहना चाहता है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनके कोणीय संवेग का मान जो है वो mvr होता है, mvr बराबर nh/2π होता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2π होता है, ठीक है, mvr बराबर nh/2π। यानी इतना मान अगर होता है तो उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन। तो कक्षाएं किसको कहते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है वो उसकी क्या होती है, कक्षा होती है। जैसे हमारी पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, उपग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, हमने जो उपग्रह भेजे हैं वो पृथ्वी की कक्षा में जाकर स्थापित होते हैं,
वहाँ चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, आपने ISS का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, वो क्या करता है, बिल्कुल पृथ्वी के जो चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। वहाँ पर कुछ वैज्ञानिक रहते हैं, हमारे भारत का भी उससे नाता है, यानी हमारे भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक है सुनीता देवी, वो भी उस ISS के अंदर रिसर्च करती है। ठीक है, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है पहले स्पेस की तरह, स्पेस में रहने की तरह, फिर वो वहाँ पर रहते हैं, यानी अंतरिक्ष में जो है वो रहते हैं। ठीक है, वहाँ पर ना कोई हवा है ना कोई और है, बिल्कुल जो है वो उस ISS के अंदर इस तरह का वातावरण बनाया गया है कि ऑक्सीजन वहाँ पे अंदर ही अंदर प्रोवाइड की जाती है। बाहर अगर उनको निकलना होता है तो स्पेस सूट की सहायता लेते हैं। ठीक है, तो वो उनकी कक्षा में ही चक्कर लगाता है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर उसकी कक्षा में ही चक्कर लगाता है। ठीक है, तो वैसा ही कौन चक्कर लगाता है, हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिस तरह से कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है वैसे ही। ठीक है, ये तो हो गया इसका तीसरा और तीसरी अवधारणा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि MVR बराबर NH अपॉन 2π, ये फॉर्मूला हम लेके आए इसका, MVR बराबर NH अपॉन 2π। ठीक है, एक ध्यान रखना H यानी इसको बोलते हैं हैश। ठीक है, हैश का मतलब क्या होता है, H अपॉन 2π, H के अंदर इस तरह से क्रॉस लगाना है, इसको H क्रॉस भी बोलते हैं कई सामान्य भाषा में, या हैश भी बोलते हैं। ठीक है, तो एच अपॉन 2π, तो MVR बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, एन हैश। ठीक है, यानी एन एस, ये भी एक समीकरण है। ठीक है, ये भी एक समीकरण है ध्यान रखना, और ये भी एक समीकरण है। ठीक है, तो इस तरह से बोर का तीसरी अवधारणा होगी। आगे की अवधारणा बढ़ते हैं अभी, अब हम इस सूत्र पर आते हैं, यानी MVR बराबर क्या होता है, एन एच अपॉन 2π। ठीक है, तो आप इसमें जो n है, n क्या है कि धनात्मक पूर्णांक है, यानी जिसका मान 1, 2, 3, 4 इस तरह से, 5, 6 इस तरह से होता है। ठीक है, तो जो आपके MVR का मान है, MVR बराबर क्या हो सकता है कि जो है 2 यानी h अपॉन 2π या 2h अपॉन 2π, 3h अपॉन 2π इस तरह से हो सकते हैं। ठीक है, तो ये MVR के मान संभव हैं। ठीक है, ये आप इसमें मान सकते हैं, पर इसमें ध्यान रखना इसमें भिन्नात्मक मान संभव नहीं है। यानी कैसे, जैसे हम इसको ऐसे कह दें कि 1.5 एच अपॉन 2π, 2.5 एच अपॉन 2π। ठीक है, यह संभव नहीं है। ठीक है, संभव क्या है, ये मान संभव है। ठीक है, तो ये आज का यहीं तक होगा। ठीक है, इसके बाद हम अगली अवधारणा कल जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो